नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गावा। इंडेक्स व्यू 10 सितंबर 2024 क्या लगता है मुझे? पहले मार्केट में एक गैप डाउन खुला, फिर कोशिश की, फिर एक अपमूव मिला। ये जो अपमूव मिला करीब अच्छा क्लोज हुआ है ग्रीन में, आज नो डाउट अबाउट इट। डेली रिपोर्ट देंगे, डेली बार में पॉजिटिव है, लेकिन जो वीक बार है इतना स्ट्रांग पॉजिटिव नहीं लगता मुझे। क्वाइट पॉसिबल और भी एक अपमूव मिल सकता है। अगर अपमूव मिलता है तो कहाँ तक जा सकता है? पॉसिबली यहाँ तक जा सकता है, वो करीब 25,050 तक है। तो मैं लेवल डालता हूँ 25,000 का डाल सकता हूँ, 25,050 to 25,100। मैं 20,100 ले देता हूँ, वहाँ तक जा सकता है, पॉसिबल है। तो एक्चुअली 25,050 to 25,100 यहाँ तक जा सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो मार्क कराया है वो है ये, मैं मार्क कर रहा हूँ, और वो ये है 24,800। अगर ये टूटेगा 24,800 तो गिरावट आ सकती है। लगता है कि ये साइडवेज मूव मिल सकता है, थोड़ा बुलिश बायस पॉसिबल है, लेकिन ये अपमूव में कुछ खास ताकत नहीं लगती, ये वीक अपमूव है। तो मतलब ये ट्रैप जोन है, बिटवीन 25,800 और 25,100 ये ट्रैप जोन है, बस इतना ध्यान देना है। बैंक निफ्टी क्या लगता है? बैंक निफ्टी अच्छा अपमूव मिला, लेकिन यहाँ पर जाके अटकेगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ पर जाके अटकेगा, वो है करीब 51,300। मार्क कर लूँ मैं 51,300 में अगर जाता है तो अटकेगा। ये करीब चार पाँच जो बार बने अच्छे बने बार। क्रूशल सपोर्ट का है, क्रूशल सपोर्ट मुझे लगता है वो ये है करीब 50,700। मार्क कर लेता हूँ, अगर ये टूटेगा तो थोड़ी गिरावट आ सकती, लेकिन ये ट्रैप बिटवीन 50,700 और 51,300 में थोड़ा ट्रैप जोन है, यहाँ थोड़ी दिक्कत होगी। एक लेवल और मार्क कर लेता हूँ मैं, वो है ये करीब है 50,900। इसके ऊपर है तो ठीक है, अगर ये टूटा तो फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस, फिर करीब 200 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। तो हमको करना क्या है, मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना है, मार्क करने हैं पॉइंट्स और ट्रेड करने हैं पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।